एंड वेलकम टू देसी शेफ। मैं हूँ मरियम। मीठे की वैरायटीज इतनी होती हैं कि हम शायद खा कर बोर हो जाएं, लेकिन फिर भी उनकी वैरायटीज खत्म नहीं होती। तो चलिए आज एक और नई डिफरेंट किस्म की वैरायटी खाते हैं मीठे की। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक स्पेशल डेजर्ट जिसका नाम है फ्रूटी पोहा फिरिनी। तो जल्दी से इसके इंग्रीडियंट्स नोट कर लीजिए। 3 कप लो फैट मिल्क, 3/4 कप पोहा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जिसे आप 2 टीस्पून कोल्ड लो फैट मिल्क में डिसॉल्व कर दीजिए, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 कप स्लाइस्ड फ्रूट्स जैसे कि बनाना, एप्पल और जो भी आप चाहें वो। सबसे पहले हम एक नॉन स्टिकी पैन में पोहा को क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। याद रखें इसका रंग ना उड़े। अब हम इसे आंच से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और अलग रख देंगे। इसके बाद हम एक दूसरे नॉनस्टिक पैन में दूध गरम करेंगे और फिर हम उसमें पोहा डालकर उसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए हल्की आंच यानी कि लो टेम्परेचर पर पकाएंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे और फिर हल्की आंच पर इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। और फाइनली हम इस फिरिनी में फ्रूट्स मिला देंगे अच्छे से और फिर सर्व कर देंगे। फ्रूटी पोहा फिरिनी एकदम तैयार हो चुकी है और इसका टेस्ट यमी होगा, एकदम मजेदार है। अब आप जल्दी से ट्राई कीजिए और थोड़ी सी तारीफ देसी शेफ की कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड गुड बाय।